मंगलम भगवान यो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंधा देव जिन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम आचार्यम श्री संभवाब्दीम समग्र धर्म विनोमी श्री बाल ब्रह्मांड जात सत्रम गंभीर सेन्दम ब्रह्मामि नित्यम देवादि आदिनाथ भगवान की जय। पार्षण भगवान की जय। अंतिम शासन के भगवान महावीर स्वामी की जय। चौसौ तीर्थंकर भगवान की जय। अनंतानंद परमेश्वर भगवान की जय। परमपूज्य आचार्य आदिशाय आचार्य महाव्यक्ति आचार्य विमलशाय आचार्य श्रीमति साय गुरुदेव की जय। परमपूज्य प्रातस्मरणीय बाल ब्रह्मचारी आज षष्ठ त्यागी स्थिर आचार्य शंभु साय गुरुदेव की जय। तीमकर महामुनि महाराज की जय। सम्मेश क्षेत्र की जय। आज जनेऊ के महान पर्व पर्युषण पर्व दस लक्षण पर्व प्रतिवर्ष की भांति भादुर शुक्ला पंचमी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक ये पर्व दस दिन का पर्व होता है। ये पर्व प्रतिभास की भांति आते हैं। ये पर्व हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा पर नियंत्रण करने के लिए, आत्मा ज्ञान की प्राप्ति के लिए और पंदा प्रमा से बचने के लिए और 22 अवक्ष से बचने के लिए ये पर्व, कसायों को बचने के लिए ये पर्व आते हैं। प्रतिवास की भांति इन पर्वों में हम कई लोग व्रत उपवास ग्रहण करते हैं, साधना करते हैं, 10 उपवास करते हैं, कोई 2 पाई उपवास करते हैं, कोई 1 हार उपवास करते हैं, कोई 1 आसन करते हैं, सब अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का पालन करते हैं। इन 10 दिनों में विशेषकर लोगों को धर्म ध्यान करने का समय मौका मिलता है। आज हमारा ये 10 धर्म कहते हैं कि पुष्प कोटि समम सूत्रम स्त्रोत कोटि समम जप जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समम क्षमा। ये वर्ष करोड़ों पुष्पों लेके तुम पूजा करो, एक बार स्त्रोत पाठ करो बराबर है। एक बार स्तोत्र पाठ करो, करोड़ों बार जप करो बराबर है। करोड़ बार जप करो, एक बार ध्यान करो बराबर है। करोड़ बार ध्यान करो, एक बार किसी को क्षमा करो वह उसका बराबर है। इस प्रकार क्षमा धर्म है। आज क्षमा धर्म यही कहता है कि प्रत्येक प्राणी के प्रति दया का भाव रखो, किसी प्रति प्राणी को कष्ट मत दो, दुख मत दो, जीव की रक्षा करो। यहाँ पे 5 स्थावर 1 तृक्ष ये सट काई सट प्राणी सही प्राणी संयम का और 5 इंद्रिय मन को वश में करना ये 12 अविरति है। इससे 12 अविरति से इसका आचरण करो, इसका पालन करो। सबसे पहले यहाँ पे बताए क्रोध नहीं करना। क्रोध का अवसर मेरे पे क्रोध नहीं करूँगा। एक व्यक्ति ने नियम लिया था कि क्रोध का अवसर मेरे पे क्रोध नहीं करूँगा। वह किसी कारणवश रात को किसी कारणवश किसी काम के लिए चला गया और घर के अंदर में एक पत्नी और बच्ची थी। उस बच्चे ने कोई पाठ किया था पुरुष का और शाम को 11 बजे आके उसी वेश में सो गई है। इधर रात को 12 बजे उसका पति आके देखता है खिड़की से
तो मेरे पति के पास में कौन पुरुष सोया है। क्रोध आया, तीव्र क्रोध आया, अभी मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। परंतु उस समय जो नियम लिया था कि क्रोध का अवसर पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, यह तब उसने वापस तलवार को अंदर किया और दरवाजे पर दरबार खटखटाया। पत्नी उठ के आई और पूछा कि बोल, सच सच बताना, तेरे तो किस पुरुष के साथ सोई थी, किस पुरुष के साथ सोई थी। उसने तुरंत कहा कि आपके बच्चे ने रात को पाठ किया था पुरुष का, उसी पास वेश में आके आपकी बच्ची मेरे पास सोई थी। यदि उसका नियम न होता तो पत्नी को ख़त्म कर देता, पर नियम होने के कारण वह बच गया। इसलिए कहते हैं कि क्रोध का अवसर में भी क्रोध नहीं करना चाहिए, ये क्षमा धर्म कहता है। एक समय सैनिक राजा बहुत का अनुयायी था और एक समय चलना रानी जैन धर्म के अनुयायी थी। कुछ पूर्वकर्मा कर्म का ऐसा उदय था, उसका सत संबंध हुआ और एक समय दोनों का विवाद हुआ, तो उनके जैन साधु को खुट्टे में आग लगा दिया, पंत बच गया। फिर उसके बाद इसने भी कहा कि मैं भी तेरे को साधु को देखूंगा, तो उसने अपने साधु को बुलाया और कहा कि सबको भोजन के निमंत्रण दिया। जो निमंत्रण दिया तो सब लोग जूते पहन के आते थे, तो सबको बिठा दिया अंदर में। और इधर क्या किया, एक एक जूते लेकर के उसने उसके टुकड़े टुकड़े करके, बारीक बारीक टुकड़े करके, बराबर गम गम छम छम नमक मिर्च मिला करके सब्जी बना दिया और सभी साधु को परोस दिया। सभी साधु ने बड़े मज़े से भोजन कर लिया। अब भोजन करने के बाद पेट भर गया, सब जाने लगे तो एक एक जूते दिखे नहीं, हमारे सबके एक जूते कहाँ गए। तब सैनिक राज ने कहा कि हे सैनिक चलना, हमारे ये सबके जूते कहाँ गए। तो उन्हें कहा, तुम्हारे साधु केवल ज्ञानी है, महान ज्ञानी है, तुम्हारे साधु से पूछो कि तुम्हारे जूते कहाँ हैं। परंतु वो बता नहीं सके। तो चलना ने कहा कि दोनों सब साधु कहा, अपनी दो उंगली मुंह में डालो और उल्टी करो। तो तुरंत ही उन्हें उल्टी किया। उल्टी करने के बाद में छोटे छोटे टुकड़े जूते के निकले। तो ये बात देख करके सैनिक को क्रोधित हुआ कि तूने मेरे साधु का अनादर किया, अपमान किया है, मैं भी तेरे को साधु को देखूंगा। उसने क्या किया, गया और 500 कुत्तों को मुनिराज को मारने के लिए छोड़ दिया। 500 कुत्ते को मुनिराज को मारने के लिए छोड़ दिया। और जब 500 कुत्ते मुनिराज के पुण्य के प्रभाव से परिक्रमा लगा करके 500 कुत्ते सामने बैठ गए, तब ने सोचा कि देखो ये बहुत विचित्र है कि 500 कुत्तों को अपने वश में कर लिया है, पर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इतना करने के बाद जंगल में गया और जंगल में एक मरा हुआ सर्प था, ला करके मुनिराज के गले में डाल दिया। अब गले में डाल दिया और अपने चेलना से जाके कहती है, हे चेलना, देख मैंने तेरे साधु को देख लिया हूँ कि क्या किया आपने, कि मैंने 500 कुत्तों मारने छोड़ दिया, परंतु 500 के वश में हो गया, परंतु तो मैं फिर क्रोधित हुआ तो मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। तब चेलना ने कहती, हाय, आपने ये क्या कर डाला है, क्या कर डाला आपने, कि 7 नगर का बंद कर लिया, 33 सागर के आयु का बंद कर लिया आपने, ये आप क्या कर डाला। तब चेलना रानी कहती है, यदि मेरे सच्चे साधु हैं तो वहीं बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, ढुलेंगे नहीं, वहीं बैठे रहेंगे जब तक ये उपसर्ग है। चलो कहाँ दिखाया, कहाँ डाला मैं मुनिराज सर में। तो चिट्ठी थी चढ़ी गई, असंख्य चिट्ठी चढ़ गई थी मुनिराज के शरीर के ऊपर में। तो क्या किया, चीनी साकर लेकर के चेलना रानी जाती है, तो दिखाओ मेरे साधु को कहाँ अपने गले में सर डाला। तो ले गई
और दुष्ट दिखाए, देख तेरे साधु होते उठ के चले जाते पर मेरे साथ देख तो वहीं बैठे हैं, तूने गले गले वहीं पे है, देख तेरे साधु देख तो मेरे साथ देख में कितना फर्क है हैं। जब साधु के पास गई तो असंख्य चिट्ठी चढ़ गई, चिट्ठी काट रही थी, लाल चिट्ठी थी, तो क्या क्या चीनी शक्कर लेके गई थी और मुनि के चारों ध्रुव में छिटक दिया। वो चिट्ठी ने अपनी रसना इंद्र के घ्राण इंद्र के सुगंध के पल से वो मिठास के कारण वो वापस नीचे उतर गई चिट्ठियाँ। मुनि का उपसर्ग दूर हुआ, उपसर्ग दूर हुआ तो चेना रानी और सैनिक राजा ने दोनों आकर भगवान के नमस्तु किया। भगवान ने दोनों को बराबर आशीर्वाद दिया। साधु को शत्रु मित्र का भेद नहीं होता है ना, तो दोनों को आशीर्वाद दिया। तब वो पिघल गया, पश्चाताप करने का, हे भगवान मैंने आपको मारने के लिए 500 कुत्तों को छोड़ा, फिर मैंने मरा हुआ गल्फ सर में डाल दिया, मैं महान पाप किया हूँ भगवान, अब उस पाप से कैसे बचा जाए, पश्चाताप कर रहा है। तो सैनिक महाराज कहते हैं, सुनो भाई देखो महान, तूने पाप तो बंद कर लिया पर उस पाप से बचना हो तो एक काम करो कि 1234 उपवास करो, 1234 उपवास करो और तीर्थंकर प्रक्रिया बंद होगा और शायद सम्मिलित हो जाएगा। परंतु उसने नियम किया, 1234 उपवास भी किया और तीर्थंकर प्रक्रिया बंद भी कर लिया, शायद सम्मिलित में हो गया, फिर भी उस पुण्य के प्रभाव से जो 33 सागर की आयु बांधे थे वो घट करके आज पहले नरक की आयु हुई। आज वो की तारीख में वो पहले नरक में हैं और आगे वही सैनिक राजा वहाँ से निकलकर विदेश क्षेत्र में जन्म लेकर के वहीं मुनि बन करके 8 करोड़ नष्ट करके पहला तीर्थंकर बनेगा भविष्य काल का। ऐसे ये कर्म का खेला है कि भैया क्रोध के अवसर में भी क्रोध नहीं करना चाहिए, ये आज का क्षमा धर्म का धर्म है। इस लावर का विसर्जन करेंगे और अहिंसा परमो धर्म की जय। काम किया उसी समय शुभ अशुभ कर्म का आश्रय बंद हो जाता है, इसलिए किसको संभालना है, अपने परिणाम को संभालना है कि हमारा परिणाम अशुभ में ना जाए। आज भी जैन धर्म मिला है उस शुद्ध तक पहुंचने के लिए, और अन्य मतावलंबी शुद्ध तक पहुंच नहीं सकते हैं। एक जैन धर्म को पालने वाला जैनी नहीं अजैनी भी जैन धर्म को पालन करके, इंद्रभूति कौन था, ब्राह्मण था, फिर भी उन्होंने भगवान महावीर का समागम मिला और केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर लिया। और हम तो जैन धर्म धारण करके आज हम पूजा भक्ति आराधना कर रहे हैं, तो हमारा परिणाम कम से कम अशुभ से बचे और शुभ में आए, तो एक दिन हम शुद्ध बन सकते हैं। सबकी आत्मा भव्य आत्मा, सब भगवान बनने वाली आत्मा है, फिर भी हम भटकते हैं, क्यों, हमारा परिणाम अशुभ है। इसलिए अशुभ परिणाम से बचने के लिए जैन धर्म मिला है। इस परिणामों को 10 लक्षण क्यों आता है, इसलिए आता है कि हम अपने परिवर्तन करें अपने परिणामों को। इसलिए ये 10 धर्म की पूजा भक्ति आराधना करते हैं, हमें प्रत्येक समय प्रति समय सबके गति बंद हो रही है। अभी कौन सी गति बंद हो रही है, हाँ शुभ गति, शुभ गति कौन सी है, देव गति, मनुष्य गति है ना, हाँ हर समय गति बंद हो रही है प्रत्येक व्यक्ति का। रात में सोने के बाद में भी गतिबंध चालू है, हाँ कैसे कैसे सपने देखते हैं, शुभ सपने देखते हैं तो शुभ गति हो जाएगी, अशुभ सपने देख रहे तो अशुभ गति बंद हो जाएगी, पर आयु के साथ में कब गति बंद हो जाएगी ये पता नहीं है। इसलिए गुरु कहते प्रत्येक समय सावधान रहो, ज्यादा मूर्छा ममत्व मत करो, ज्यादा परिवार में परिग्रह में हाँ आशक्त मत हो, कब आयु के साथ में गति बंद। सैनिक राजा जब यशोधर मुनि के ऊपर सर्प डाला उस समय सातवें नरक का गति बंद हो गया आयु के साथ में, हाँ? तो वैसे हम भी कब हमारे आयु के साथ में गति बंद हो जाए पता
नहीं है, इसलिए प्रत्येक समय हमें सावधान रहना चाहिए, प्रत्येक समय हमें अपने विचारों को टटोलना चाहिए कि मेरे विचार कहाँ जा रहा है। यदि अशुभ में जा रहा है तो उसी समय ज्ञान के माध्यम से रोक लो, नहीं तो अशुभ में बहते चले जाओगे तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए अपने बाहर को टटोलो मत, अपने अपने परिणामों को टटोलो कि मेरा परिणाम कहाँ जा रहा है। इसलिए अशुभ से बचने के लिए शुभ में आओ, शुभ से एक दिन शुद्ध में जा सकते हैं। अशुभ है शुभ उपाय है और शुद्ध उपाधेय है। उसका एग्जाम्पल देते हैं ना, परसों बोले थे ना, क्या रोग है और दवाई उपाय है और निरोगता उपाधेय है। ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए। रोग है या नहीं, रोग चाहते हो क्या? कोई रोग चाहते नहीं है, अचाता के उदय आने से रोग आ जाता है, परंतु रोग है। सभी लोग चाहते हैं कि मुझे निरोगता मिले, उसका उपाय क्या करती है? दवाई। दवाई से आप उपाय करके निरोगता में आ जाते हैं। उसी तरह से हमारा दुख क्या है और सुख क्या है? उपाय है। और क्या है? शुद्ध आत्मा शाश्वत सुख है, वो उपाधेय है। इसलिए ऐसे सारे आगम में लिखा हुआ है, पर स्वाध्याय करे तो ना। कौन कौन स्वाध्याय करता है, हाथ ऊंचा करो। एक दो तीन, ये मूछ वाले, वो तीन चार, क्या कर रहे हैं? रामगढ़ वाले भैया, स्वाध्याय करना। ज्ञान के बिना कर्मों की निद्रा होने वाली नहीं है। इधर सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, परंतु खुद स्वाध्याय करेंगे तो आपके परिणामों में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए ज्ञान करना बहुत जरूरी है। ज्ञान के बिना कर्मों की निद्रा, आप दस लक्षण में यहाँ रह रहे हैं शिखर जी में, इन गुरु का प्रवचन सुन रहे हैं, उनके साथ सानिध्य में पूजा भक्ति कर रहे हैं, तो कम से कम जहां जहां हम जीवन में गलती करते हुए आ रहे हैं उन गलतियों को निकालते जाओ। कितने साल हो गए आप, कितने वर्ष के हो गए रामगढ़ वाले भैया, कितने वर्ष के हो गए? 45 65? हाँ हाँ हाँ, 65 में से 8 निकाल दो, कितना रहा? कितना कितना रहा? 57। आप 8 वर्ष तक तो चलो, हाँ इतनी समझ नहीं थी, पर 57 वर्ष से आप 10 लक्षण शामिल हो रहे हैं। तो 57 में एक एक 10 लक्षण में आप एक एक वस्तु को समझते जाते, एक एक वस्तु को त्याग करते जाते, तो अभी आप कितना त्याग करते हैं? 57 प्रकार की वस्तुओं का त्याग कर सकते थे। हम तो आते ही बात सुन लेते हैं, हाँ पूजा भक्ति कर लेते हैं, जय जयकार कर लेते हैं, फिर वापस घर पे चले जाते हैं। पर आए हैं एक एक 10 लक्षण में, एक एक अध्याय को समझते हुए अपने जीवन में कहां कहां हमें गलती हो रही है, ये हमको सुधारते जाएं तो अभी कितने सुधर जाते, और अभी आप वहां नहीं यहां बैठ जाते हैं, है या नहीं? अपने को ग्रहण करना पड़ेगा। हाँ, जो सुन रहे हैं उसका चिंतन करो रात्रि में। हाँ, एकांत में बैठकर कभी चिंतन किया क्या? प्रत्येक व्यक्ति को आधा घंटा सुबह और शाम को एकांत में बैठ करके अपनी आत्मा का चिंतन करो। मेरी आत्मा इस शरीर में क्यों आई है? ये शरीर से दुख क्यों उठा रही है? इसका कारण क्या है? क्योंकि आत्मा अज्ञानी बन करके कर्म का आश्रय बंद किया है, वही हमें दुखी कर रहा है। कोहम को मम धर्म, मैं कौन हूं, मेरा धर्म क्या है, कभी चिंतन किया? बस नहीं, सुन लिया, मजा आ गया, आनंद आ गया, प्रवचन कैसा था? बहुत अच्छा था प्रवचन। प्रवचन तो अच्छा ही होता है ना, प्रवचन प्रमाणे प्रकृष्ट वचन, किसका? ना आचार्य संभव सागर जी, ना आचार्य वर्धमान सागर जी, ना कोई सागर, वो प्रवचन उन जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। इसलिए स्वाध्याय का नियम कौन कौन करेगा? अभी नया करो ना, करना पड़ेगा, कि ये बिना कोई काम आसान नहीं होता है, और सहे बिना कोई मानव महान नहीं होता है। अपने कपड़े में गांठ बांध लो, दर्शन ज्ञान चारित्र संयम के बिना कोई इंसान भगवान नहीं बन सकता है। हाँ, करना तो पड़ेगा और सहना भी पड़ेगा।
आधा घंटा बैठ जाओ, मच्छर काटे तो काटने दो। साधु लोग केस लोज करते हैं ना, तो कैसे करते हैं, आप अपना एक केस निकालो। पर साधु केस लोज करते तो भेद विज्ञान के माध्यम से शरीर अलग ही, आत्मा अलग ही, फिर उन बाहुबली, इन पांच पांडव हाँ, उनका ध्यान करते हुए मैं हूं, वो कभी मरने वाला नहीं है और जो मरता है वो मैं नहीं हूं, ऐसे चिंतन करते हुए मनन करो और शक्ति के अनुसार ग्रहण करो। चिंतन करोगे तो सम्यक दर्शन, मनन करोगे तो सम्यक ज्ञान और ग्रहण करोगे तो सम्यक। आज का यही सूत्र का ये पहले अध्याय का सारी यही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अन्यथा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोह मार्ग। जैन धर्म मिलने के बावजूद भी यदि हम बोले हम मोह मार्गी हैं, तो फिर मोक्ष मार्गी कौन हो सकता है हा? हम जैनी हैं तो बोलो दृढ़ता से कि हम मोक्ष मार्गी हैं, मोह मार्गी नहीं है। कौन मोक्ष मार्गी है या मोह मार्गी है बोलो ना। हाँ मोक्ष मार्गी, मोक्ष दो ही अक्षर है ना, मोक्ष, मोह माने मोह, क्ष माने क्षय, मोक्ष इति मोक्ष, कितना सरल है ना मोक्ष। बोल तो दिया हम मोक्ष मार्गी है, पर मोह पे मोह बढ़ते चला जाता है, आयु घटती जा रही है और मोह बढ़ते जा रहा है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है, स्वाध्याय करो, कुछ त्याग मत करो हाँ, परंतु पहले स्वाध्याय करो तो ऑटोमेटिक आपको मन में आएगा, ग्लानी आएगी कि संसार शरीर भोग निशान है, सार नहीं, अपने आप त्याग में आप लोग आ सकते हैं। ऐसे साधु संतों के समागम में भी आकर के प्रति वर्ष आते हैं, हम कई लोगों को देखते हैं प्रति वर्ष आते हैं परंतु एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हाँ? एक एक प्रतिमा भी धारण करते हैं, सूर्य जल का त्याग करते हैं, कम से कम करो ना हाँ? सूर्य जल का त्याग किस किस को है बताओ, कितने इतने सारे लोग में सूर्य जल का त्याग पांच सात जन को है हाँ? कितना अभक्ष खाओगे, जीवा इंद्री का टेस्ट, ए भाई सुन लो, जीवा इंद्री का टेस्ट, अंदर जाए तो वेस्ट बनती है, बार बार गैस, डॉक्टर करता है बार बार टेस्ट, तुम्हारा रुपया पैसा होता है वेस्ट। इसलिए हमारे गुरु कहते हैं अपने घर की दाल रोटी बेस्ट। जीवा इंद्री की ललिता से जो सूर्य जल का त्याग भी नहीं कर रहे हैं हाँ? और आज आजकल साधु भी सबसे आहार लेने लग गए हैं हाँ? 12,000 साधु वहां चले गए थे कहाँ, कर्नाटक में, मद्रास में, और चंद्रगुप्त आचार्य वहां पर खा रहे हैं हाँ? तुम्हारे श्रवण बेलवला में छोटे पहाड़ पर भद्रभाव आचार्य के पास में, भद्रभाव आचार्य तो संलग्न ले रखे और चंद्रगुप्त तो अब आहार करने कहाँ जाए, पूर्व दिशा में गए, दक्षिण में गए, कहाँ भी नवदा भक्ति नहीं मिली, पश्चिम में गई नवदा भक्ति नहीं मिली, रोज रोज उपवास, फिर भी गुरु ने कहा जाओ आप उत्तर में जाओ, अपील श्रीमती और श्री श्रीमती और कौन से राजा, श्रीमती और श्रेयांश राजा नहीं, श्रीमती और कौन सा दो, दो। तो पहले उन्होंने आहार दिया था तो वो स्मरण में आ गया हा? और फिर उत्तर दिशा में वज्रगंग हाँ, श्रीमती और वज्रगंग, तो उन्होंने फिर उनको याद आ गया, वो देव बन गए थे और उन्होंने सोचा कि अब नवदा भक्ति इनको चाहिए, फिर चौका दिखा दिया और नवदा भक्ति से पड़गाहन किया, तब उत्तर दिशा में उनका आहार हुआ। किसने करवाया, देवों ने आके करवाया। अब जब तक भद्रभाव थे तब तक रोज जाते थे, भद्रभाव की समाधि के बाद में भी वो वहीं रहे और रोज उत्तर दिशा में जाकर आहार करते थे, और इधर दुष्काल पूर्ण हुआ, मद्रास से 12,000 साधु कहाँ आ गए, श्रवण बेलवला में, देवों को अवधि ज्ञान से पता चल गया आज 12,000 साधु आने वाले हैं, 12,000 चौका दिखा दिया, देवों को क्या हूँ हाँ? अब लोग आए जो 12,000 साधु वहां आए, चंद्रगुप्त तो नमस्कार नहीं किया कि जंगल में चंद्रगुप्त भ्रष्ट हो गया, कहा आहार किया ना, पीछी नहीं उठाई उन्होंने, तो नमोस् तो किया पर इन्होंने पीछे नहीं उठाई, ये बहुत बात समझने की है हाँ। आज तो लकीर के फकीर बने हुए हैं,
बारह हजार साधु, फिर दूसरे दिन उन्होंने चंद्रगुप्त ने कहा यहाँ पर चौका लगता है, सब साधु हार के लिए गए, 12,000 चौका सब साधु ने हार कर लिया बड़े मजे से। और फिर जब जाने लगे एक साधु कमंडल भूल गए थे, और पीछे जाकर देखे तो कमंडल लेने गए तो वहां पर एक भी चौका नहीं, कमंडल वहां पड़ा हुआ था। फिर आके अपने गुरु को बोलते अपन कहां हार किया, तब गुरु को पता चला कि हमने देवों के द्वारा लिया हुआ हम आहार करके आए। सब साधु ने चंद्रगुप्त सहित 12,000 साधुओं ने प्रायश्चित लिया, क्योंकि असंयम्य से आहार लिया। ये भद्रभाव संहिता में ये सब लिखा हुआ है ना? और आज हम शूद्र दल के त्यागी से आ रहे थे, बोले माता जी आप क्या सब साधु तो लेते हैं, आप क्या इसे कंसेशन करिए, कंसेशन 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 में गिरावट आ गई, ध्यान रखना। असंयम से साधु को आहार नहीं लेना चाहिए, लेते हैं इसलिए असंयम की संख्या ज्यादा बढ़ रही। इतने सारे में 8-10 लोग शूद्र दल के त्यागी, बाकी असंयमी है या नहीं? हाँ, फिर साधु को आहार देने वाला और लेने वाला दोनों को भोगों में जाएंगे, ध्यान रखना। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा शास्त्र कह रहा है, हमारे गुरु के द्वारा हमें जो मिला है वो हम आपको बोल रहे हैं। हाँ, पुण्य से ज्यादा पाप बंद हो रहा है, इसलिए असंयम किसे आहार नहीं लेना चाहिए और असंयम को आहार देना भी नहीं चाहिए। देख के मात्र आप पुण्य बंद कर सकते हैं, संयम धारा नहीं कर सकते तो देखो पर नहीं और लगी है। लालसा बंद करके चौके में जा करके उन थाली में से उठा करके देते हैं, क्या पता उसने कैसे चौका लगाया। हा? अपने खुद ले जाओ फल और अपने ही फल उनको दो हाथ से, हाँ वहां से उठा के मत दो, चोरी का पाप लगता है, ध्यान रखना। ऐसी ऐसी सूक्ष्म बातें हैं, ये समझने की बातें हैं। हाँ, आज किस किसने साधु को आहार दिया? हाँ दिया आहार, बहुत अच्छा। जो नहीं दिया वो ध्यान रखो, अरे कम से कम साधु है यहाँ पर उनको आहार दो। आहार देने वाला एक मुट्ठी पर आहार दिया, भोग भूमि का बंद हो गया। जब साधु संत मिले, और एक बात है, साधु संत आपके गांव में नहीं हो तो 9 बजे 9:30 बजे के टाइम पर आप कैसे भी अवस्था में हो भावना भा लेना कि ये भगवान भारत उसमें जितने भी साधु त्यागी व्रती हैं उनका नीर अंतराय आहार होवे। इतना भावना भाने में क्या आपको क्या दिक्कत होती है क्या? इतनी भावना भाने से 3.9 करोड़ गुरु को आहार दिए बराबर पुण्य बंद हो जाता है। ऐसी भावना रोज कर लेना, और साधु है तो साधु का आहार देना। और साधु कर यदि नियम है और आप नियम पालन नहीं करते हैं तो आप बाहर खड़े होकर के आहार देख लेना, उससे भी आपको। रामचंद्र जी जंगल में आहार कर रहे थे, नेवला सुअर सभी अनुमोदना कर रहे थे, हाँ अनुमोदना मात्र से भोग भूमि का बंद हो गया। भोग भूमि में गए कहां, नेवला सुअर कहां, चिरंज प्रति पशु थे और भोग भूमि में चले गए। हाँ हम बनिया हैं, थोड़े में फायदा उठा लेना। हाँ नियम नहीं कर सकते तो कम से कम भावना तो भाव कि निरंतराय सब साधु का आहार होवे। भावना भाव के भी हम बहुत साथी से पुण्यार्जन कर सकते हैं, बहुत सारी बातें आगम में हैं। अभी हम बड़बड़ करेंगे तो बोलेंगे अभी समय हो गया है, हो गया समय, समय तो होने वाला है, समय की गति कभी रुकने वाली नहीं है, ध्यान रखना। समय तो चलता रहेगा, पर उस समय में उस समय को जान लिया तो तुम समझदार हो। इस समय में यदि अपने समय को जान लिया तो समझदार है। समय माने बोलो ना आत्मा। समय सार तो पड़ेंगे परंतु अपनी आत्मा को नहीं जाने तो फायदा क्या है। चलिए नहीं तो फिर जब तक अटपट में रहे तब तक खटपट होए, जब मन की अटपट मिटे झटपट दर्शन हो। अटपट खटपट से बचे बचना हो तो सम्यक दर्शन को अपना लो। सम्यक दर्शन एक बार भी हुआ तो 7-8 भाव में आपकी आत्मा परमात्मा सुख को प्राप्त कर लेगा। सम्यक दर्शन के बिना भाव भाव में भटकते रहेंगे। इसलिए आज सायंकाल 6:30 बजे यहाँ पर हम सामूहिक प्रतिक्रमण और सामयिक करवाएंगे, उसके बाद में आरती, एक धर्म के ऊपर प्रवचन, प्रवचन से प्रश्नमन, इस प्रकार कार्यक्रम है। सुबह 6 बजे से यहाँ अभिषेक की क्रिया